गाइस, मैं हूं अरविंद सौ और आप देख रहे हैं सौ न्यूज़। आज हम हैं बरही विधानसभा के चौपारण प्रखंड में और आज हमारे साथ है यहां के माननीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव जी। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस में काफ़ी हलचल सी मची हुई है, इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सर्वप्रथम टॉपिक ये रहा, आज जो सोनिया गांधी पर जो हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आग सी लगी हुई थी, तो इस पर क्या टेक आपका? सबसे पहले तो जो पूरे देश की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है और आज 7-8 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है तो चाहती है कि कोई भी विपक्ष में हमारे नहीं रहें और राजतंत्र की तरह वो सत्ता चलाना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है कि यह हमारे देश के विपक्ष के बड़े नेता लोगों को ईडी के माध्यम से आप नोटी भेजवा करके और 4-5 दिन लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को ईडी ऑफिस में बुला करके, यानी कि मानसिक तनाव बढ़वाने के सिवा और कुछ नहीं काम किया। यदि जो कोई तथ्य निकलता तो कोई बात नहीं है, कोई तथ्य निकलता नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ईडी का नोटिस उन्होंने इस प्रकार से दिया, आज भी पार्लियामेंट में चल रहा है, नोटिस दे करके मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो ये लगता है कि संविधान की धज्जियां उड़ा करके राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है मेरा देश। इसी के विरोध में हम लोग आज पूरे राज्य में, हर एक राज्य के राजधानी में, यानी कि ईडी के जो कार्रवाई की जा रही है और एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर, उस पर गंभीर मामले हैं नहीं, लेकिन ईडी के माध्यम से हम मनोमन तोड़ता है तो हमको राज्य में आज मूल हम लोग धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपा गया। सोनिया गांधी जी की तबीयत भी खराब है, उसके बाद भी ईडी की बैठक में उन्हें जाना पड़ा, तो पूरे देश में एक हंकार सी मच गई, आग सी लग गई थी, काफ़ी पुलिस विभाग को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो इस पर क्या टेक है आपका? जो 5 दिन है वो भी इसी तरह से रहेगा कांग्रेस की ओर से कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन? नहीं, कल तो इसके विरुद्ध में सबसे पहले तो मानवता खत्म हो गया। कोविड पेशेंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उसकी उम्र कम से कम तो 70 से पार कर गया, 70-75, उनका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, कोविड पेशेंट हो गई है वो। उसके बाद भी ईडी के माध्यम से नोटिस मिलता है कि आप ईडी के कार्यालय में पहुंचिए, ये बहुत बड़ा संकट का स्थिति आ गई है। तो उसी के विरोध में आज राज्य में हम लोगों ने धरना दिया और कल पूरे देश के जिलों पर हम लोग ईडी के जो कार्रवाई की जा रही है और वो राजनीतिक खड़यंत्र करके, ईडी नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और सरकार करके, तो उसी के विरोध में कल हमारे हजारीबाग जिले के संग्रहालय में हम लोग ईडी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति का हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे।